इन्हें ना तो इधर है, मंजी माँ और नंदू की दुल्हनिया किसको लेकर गए? लगता है गौरी बहुजी ने नैना को इधर छुपा दिया है ताकि कोई इसको लेकर ना जा सके। लेकर हम नैना को लेकर जाऊंगा उसके पास गौरी बहुजी से बचाकर। आजा, जल्दी आ। बहुत देर कर दी रे काली तूने आने में, अब पवित्रा का बचना बहुत मुश्किल है। नहीं, देवरी नहीं, देवरी, देवरी! माजी बस चली चली, हमारी पवित्रा को कुछ नहीं हो सकता। हे राम जी, हमारी मदद कीजिए। नैना को हमारे पास भेज दे, ये तो अभी से नीचे फेंक देंगे। नहीं, नहीं, हम नैना को ले लेकर आ रहे। पवित्रा को छोड़ दो प्लीज, उसे कुछ मत करो प्लीज, प्लीज छोड़ दो प्लीज। जा। देवरी से धोखा। नहीं, नहीं, देवरी, ऐसा मत करो। तुमने देवरी की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, हमें धोखा देने की कोशिश की, लेकिन मूर्ख हो तुम लोग, ये नहीं जानते कि धोखा एक नकारात्मक ऊर्जा है और जहां नकारात्मक ऊर्जा होगी देवरी और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, शक्तिमान हो जाएगा, बलि चढ़ेगी पवित्रा की और नैना बनेगी अप्रतिम राक्षसी। नहीं, नहीं। हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तेरी आंखों के सामने तेरी बच्ची को हम मार देंगे और देखते उसे कौन बचाएगा।
करोगे तुम हमारी पवित्रा का? कि हमारी पवित्रा एक पवित्र आत्मा है। माना कि हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन अगर ये खुद अपनी बलि देगी तब क्या कर लेगी तू? बहुत देर हो चुकी है काली, अब ये तेरी आवाज नहीं सुनेगी। अब अगर ये कुछ सुनेगी तो वो है सिर्फ देवरी का आदेश। आओ हमारे साथ नैना। यहाँ आओ पवित्रा। पवित्रा नहीं, गंदे मत जाना। वो झूठ बोल रहा है। हमारे पास वापस आओ पवित्रा। पवित्रा नहीं, सोच ले पवित्रा, अगर तू हमारे पास नहीं आई तो हम तेरी बहन को मार देंगे। पवित्रा की बात नहीं, पवित्रा कोई आ रहा। प्लीज दीदी को कुछ मत करना। तो फिर आ जा हमारे पास। क्या हुआ काली, अब नहीं रोकेगी अपनी बेटी को? भैया मत करो, मत करो, ईमान भूलो, वो भी तो रीत बेटी जैसी है, मत करो। कहाँ हो तुम, जल्दी आओ। देखा काली, देखी देवरी की ताकत। जो काम हम नहीं कर सके वो तेरी बेटी खुद करेगी। पवित्रा का आत्मबल अब हमें नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इसने खुद हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। ए, अपना सर झुका हमारे सामने। नहीं पवित्रा नहीं। पर राम जी की मूर्ति कहाँ है? क्या? मम्मा ने कहा है राम जी के सामने सिर झुकना चाहिए। पर यार तो कोई भगवान की मूर्ति नहीं है। अरे मूर्ख लड़की, हम नजर नहीं आ रहे तुझे? इस क्षण हम ही तेरे भगवान हैं, क्योंकि तेरी बहन की जिंदगी की डोर हमारे हाथों में है, हमारी मुट्ठी में है। अपने सर झुका हमारे सामने अभी। कितना विश्वास किया तुम पर, तो हमारी आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए। बोल, एक बार हमको गले लगा लीजिए। कितना प्यार कर रहे हैं हम आपको। बस